है, रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया, वो किस तरह, जहाँ चाइना फर्टिलाइजर में इंडिया के अंदर 23% इन्वेस्ट करता था, अब वो 15% पे आ गया, और जहाँ रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया। पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो काफी इफेक्टिव है। यहाँ पे सवाल ये कि भारत भी तो रशिया से ऑयल ले रहा है ना, भारत हमारी क्या नहीं, भारत तो पहले से ले रहा है, भारत तो असला भी ले रहा है, वो तो सोवियत यूनियन के दौर से है ना। अगर हम देखें रिजर्व की बात करें ना, तो पाकिस्तान के 32 बिलियन रिजर्व थे, लेकिन अब उन्होंने क्राइसिस की वजह से 8 बिलियन रह गया। हम इंडिया की बात करें तो 600 बिलियन रिजर्व है, जमीन और आसमान का फर्क मैं कह सकती हूँ, इतना फर्क है उनका लाइव, वो तो इस पे हम तो डिटेल में बात कर चुके हैं। फटकार बात बताऊं, आप इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, आप काइंडली अफगानिस्तान से करें, थोड़ा सा मजा तो आए। अफगानिस्तान है ये, इंडिया तो कहीं चला गया, आप पाकिस्तान के साथ उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपका हार्दिक स्वागत, चाहे रूस चाहे, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश और एक नेता है जिसके पुतिन मुरीद हैं। मंच और मौका कोई भी हो, पुतिन उसकी तारीफ करने में पीछे नहीं रहते। वो देश है भारत और नेता ग्लोबल लीडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा पाकिस्तानी आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि आने वाले टाइम में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, उसमें बिल्कुल पोटेंशियल है। आप देखें उनका आईटी सेक्टर कितना बूस्ट कर रहा है, और वो हर सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। रशिया ने हर बार हर मुसीबत में इंडिया का साथ दिया है, और इंडिया भी अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता है। वहीं पर पाकिस्तान की दोस्ती हर ऐसी कंट्री से रही है जिसने उसको धोखा ही दिया है। पहले पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था, और अब चाइना की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री अपना मतलब निकाल कर छोड़ देती है, मगर इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया अपने दम पर दूसरे देशों के साथ दोस्ती करता है और उसे निभाता है। आपको तो पता ही होगा कि रूस अभी लड़ाई में लगा हुआ है, और सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका रशिया खिलाफ हो गए हैं, तो व्यापार भी बंद पड़ा हुआ है। इकोनॉमिकली अभी सारे देशों ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा है, और किसी भी वार में हर दिन अरबों रुपये खर्च होता है, और जाहिर सी बात है कि रशिया को अभी पैसों की भी जरूरत है। अब इंडिया डायरेक्टली तो रशिया की हेल्प नहीं कर सकता है, मगर इनडायरेक्टली अपने दोस्त रशिया की हेल्प कर सकता है। पहले इंडिया ने अमेरिका की वार्निंग के बाद भी रशिया से तेल खरीदा था, और अब रशिया ने फर्टिलाइजर के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब इंडिया रशिया से सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर ले रहा है, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी को थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। जब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रशिया के मंत्री हिंदी में ये बोल दे कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इससे आप समझ जाएंगे इंडिया और रशिया की दोस्ती कितनी बड़ी होगी। और हर बार की तरह हमारे पड़ोसियों को फिर इस बात की मिर्ची लग गई है कि कैसे इंडिया दुनिया में सारे देशों के एक साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रख सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हर कंट्री यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। आप भी आगे वीडियो में देखिए इनके विचार दुनिया में इंडिया के बढ़ते हुए कद के ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसको इंप्रूव नहीं कर रहे तो ऐसे ही डेब्ट ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, और ये मसला बनेगा हमारे लिए। ऐसे ही सूरत हाल रही तो क्या आने वाला टाइम पीरियड देखना है पाकिस्तान के? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप डेब्ट ट्रैप में जब फंस जाएंगे तो आपने आपको सारा कुछ जो है मोटरवे एयरपोर्ट सारा कुछ गिरवी दिखाना पड़ेगा, और फिर आपके पास कुछ रेडी हम ग्वादर पोर्ट रखवा। हाँ, ऑलरेडी ये सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, मोदी पुतिन का याराना बहुत पुराना है। पुतिन को रशिया को अब भारत से दोस्ती बहुत ही अहम हो गई है रशिया के लिए। सबसे बड़ी बात जो है ना इंडिया की, वो ये है कि खुददारी है उनके पास, एक फॉरेन पॉलिसी है उनकी अपनी जाती। वो तालिबान से ताल्लुक बना रहे हैं ठीक है। वो यूएस के स्ट्रेटजिक अलाइज होते हुए रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, सब्सिडाइज खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को ये आज़ादी क्यों नहीं है, ये इसके लिए एक पूरी कौम को सोचना होगा। क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी है, रशिया अब अपने को देख रहा है कि दुनिया में उसका जो वर्चस्व है ग्लोबल माहौल में, अमेरिका और यूरोप से रशिया कट रहा है धीरे धीरे आने वाले वर्षों में। तो रशिया का जो फ्यूचर है वो है डीपर रिलेशंस विद कंट्रीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशिया, और अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट्स में सबसे प्रोमिनेंट जो देश आ रहा है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जो आ रहा है वो है। अगर हम चाइना की बात करें डे बाय डे, उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो सब मूव ऑन कर रहे हैं इंडिया। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिकन चिप्स कंपनी है, वो भी इंडिया चली गई है। गूगल, आईफोन, बहुत सी और जो हैं कंपनीज वो इंडिया चली गई हैं। क्या फ्यूचर लग रहा है आने वाले प्रिडिक्शन में, क्योंकि IMF का कहना है कि इंडिया सुपर पावर होगा? नो डाउट, इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है,
और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10-15-20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अभी की बात करें ना तो मेक इन इंडिया पर लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जब ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था तो सिर्फ ना मुसलमानों पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज किया था बल्कि हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों ने कहा था कि ये क्या है, ये कैसे होगा ये। लेकिन अब इतना मेक इन इंडिया प्रमोट हो चुका है कि हर जो भी कंट्री है वो मेक इन इंडिया पे यकीन करके मेक इन इंडिया ले रही है, प्रोडक्ट्स ले रही है। देखिए इंडिया, एक पहली बात तो ये है कि इंडिया में तसलसल है, पॉलिसीज़ का तसलसल है। मोदी को आज 8 साल हो गए गवर्नमेंट में। पाकिस्तान में आप देख लें 1947 से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल का हो गया। ठीक है, कोई एक वज़ीर आज़म मुझे नाम बताएंगे जिसने 5 साल पूरे किए हैं? क्यों क्यों नहीं किए? उसकी वजह पॉलिसीज़ का तसलसल ना होना। ठीक है, अब इंडिया अपने ताल्लुकात क्यों बेहतर कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनल इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ये जो आवाम वोट देते हैं ना, सिर्फ इन्हीं से आप हुकूमत नहीं बना सकते। यहाँ पे कोई एक हिडन हैंड भी है, छुपा हुआ हाथ भी है, जो आपको सपोर्ट करता है आप गवर्नमेंट में आते हो, जो आपको सपोर्ट हटाता है आप गवर्नमेंट से हट जाते हो। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए उनकी पॉलिसीज़ का तसलसल है, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है, वैसे भी दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क। और तीसरी बात इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया ने एक मतलब दुनिया जहाँ की एशिया की मंडी तो है ये सबसे बड़ी, दूसरी टेक्नोलॉजी में इंडिया, ठीक है, अब उसके बाद US के बाद इंडिया बनता जा रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि इंडिया मजबूत है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, पॉलिसीज़ का तसलसल है। मोदी 8 साल से और मोदी ने अगले 5 साल भी ले जाने। एक और आखिरी सवाल मेरा है, लोग कहते हैं कि राइवल कंट्री है इंडिया और हमेशा से रहेगी, चाइना हमारा दोस्त है और हमेशा से रहा है और रहेगा, क्या आपको लगता है चाइना से थोड़ा हटके, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कट डाउन करके, थोड़ा हटके हम लोगों को दूसरे मुल्कों पे भी रुझान देना, जैसे कि मोदी की पॉलिसीज हैं रशिया अमेरिका सबके साथ उन्होंने बाउंडिंग बना लिया है, UN की मीटिंग में सब उन्हें सलाम कर रहे थे, अमेरिका के प्रेजिडेंट जो बाइडन है उन्होंने खुद सल्यूट पेश किया और हमारे पॉलिटिक्स को कोई पूछता ही नहीं है जाए ना। तो हम चाइना से अगर हटके देखें इंडिया की तरफ तो हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल है वो तकरीबन $50 बिलियन प्लस है। सेकेंडली हमारे लिए इंडिया इसलिए बेहतर है कि हमारे कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं है इंडिया के साथ, हमें हिंदी समझ आती है, हमें उनको उर्दू समझ आती है, तो वो हमारे लिए एक ईजी कंट्री टू ट्रेड है तो चाइना के मुकाबले में। तो जब तक हम ये मामला ठीक नहीं करेंगे अपने नेबर्स के साथ तब तक मेरे नहीं ख्याल कि हम इस क्राइसिस से निकल। Joy and pride to inaugurate tonight the festival of Russian culture in India. After the years of online living during the pandemic, we resume this wonderful yearly tradition, which has always been very popular in both our friendly countries. Over a week's time, our Indian friends will enjoy a number of brilliant performances spread across 3 metropolitan cities of New Delhi, Mumbai and Kolkata as a tribute of our respect to one of the most ancient civilizations on earth. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।